बिना दूल्हे के दुल्हनों ने की शादी, सामने आया सामूहिक विवाह का फर्जीवाड़ा, खुद के गले में खुद से दुल्हनों ने डाली वरमाला, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, पर्दाफाश के बाद उठा कई सवाल। बिहार में पकड़ौवा विवाह जितना सुर्खियों में है, उतना ही अब चर्चाओं में बना हुआ है उत्तर प्रदेश का सामूहिक विवाह। ऐसा सामूहिक विवाह जहां दूल्हों के बिना दुल्हनों ने खुद को वरमाला डालकर और विवाहित बना दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और पूरा मामला क्या है, उसे जानने और समझने के लिए पहले आपको वायरल हो रही वीडियोस को देखना होगा। पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। अब जो डालने हैं बैठ जाए, इन्होंने सामने जो वर्मा होते लोग खड़े हैं, मालूम पड़े उन्होंने नहीं डालेंगे आप लोग कर लिए ना। अच्छा अच्छा बैठ जाए बैठ जाए। दरअसल गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सरकार ने ले ली और सामूहिक विवाह योजना के तहत इन गरीब लड़कियों की शादी सामूहिक रूप से कराई जा रही थी। हालांकि इस योजना के तहत होने वाले फर्जीवाड़े में एक कदम और अब लोग आगे बढ़ गए हैं। जिस वीडियो को अभी आपने देखा, दरअसल वो बलिया जिले का है, जहां विकास खंड मनियार में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बिना दूल्हों के ही कन्याओं ने खुद के गले में वरमाला डालकर और शादी कर ली। इसके बाद वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई और हर कोई वीडियो देखकर हैरान रह गया। जब पूरे मामले की जांच शुरू की गई तो हकीकत चौंकाने वाले थे। जहां एक तरफ विवाह समारोह में शादी के लिए नाबालिग लड़कियों को दुल्हन बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ चंद हजार रुपए पैसों के लिए राह चलते लड़कों ने भी दूल्हे बनने की ठान ली। यहां तक कि कई ऐसी लड़कियां भी सामने आई जो केवल वहां आसपास घूमने आई थी और पैसे के लालच को देखकर इस फर्जीवाड़े का हिस्सा बन गई। इस पर जांच पड़ताल की गई और इस पर कार्रवाई भी हुई। ये वीडियो 25 जनवरी की बताई जा रही है, जहां 545 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। दरअसल सामूहिक विवाह के आड़ में सरकार की तरफ से आने वाले पैसों के घपले के लिए ये पूरा ढोंग रचा गया था। क्या हुआ था 27 तारीख को, कहां गए थे आप? 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहां? क्या देखने? शादी होता है। हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे दो तीन लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती ऐसे ही बैठा दिया था। क्या कहे? बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बैठ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए तो आप बैठ गए वहाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी लगा कर बैठे, माला भी पहने हैं। फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। दुल्हन दुल्हन कहाँ की थी, मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, वो सही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठ के। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे बहुत लोग? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था, हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गांव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने?